नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं वो एकजुट हो रहे हैं। सक्रियता इन दलों की बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर के लगातार बैठकें हो रही है, मीटिंग बुलाई जा रही है। कभी पटना में मीटिंग होती है, कभी बेंगलुरु में मीटिंग होती है। बीते दिनों आपको बताया तो मुंबई में भी इस विपक्षी एकजुटता की बड़ी बैठक हुई थी, यानी इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी। अब इस गठबंधन की बैठक पर जहाँ एक तरफ बीजेपी लगातार सीएम नीतीश कुमार और तमाम विपक्षी दलों पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यानी बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग पर जोरदार हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है। दरअसल प्रशांत किशोर का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से ये ऑपोजिशन को एक साथ कर मीटिंग कर रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, इतना अगर इनकी सक्रियता बिहार की जनता के लिए, बिहार में काम करने के लिए होती तो फिर बिहार की तो सूरत ही बदल गई होती। और कुछ क्या प्रशांत किशोर का कहना है, आइए बताते हैं। जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि आज नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, लेकिन आज ये बिहार में एक समुदाय के लोगों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनको भी मालूम है कि इस प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ ढपली बजाने वाले लोग हैं। आज आरजेडी के 0 MP हैं, वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। जिस पार्टी का खुद का ठिकाना नहीं है वो देश की अलग अलग पार्टियों को एकत्रित करने में लगी हुई है। क्या लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार में TMC को एक भी सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं? नीतीश कुमार को कौन पूछता है? प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार बीते दिनों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से मिलने गए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2014 में 5 सीटें और 2019 में भी 5 सीटें मिली। हालांकि वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे 500 MP इन्हीं के पास है, 2 जीरो को अगर जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा। आज ये बीजेपी की बी टीम है क्योंकि ये अपनी दुकान चला रहे हैं। आगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि साथ बैठकर चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष मजबूत हो जाता तो 20 साल पहले ही विपक्ष मजबूत हो गया होता। आज ये लोग घर से निकलकर 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, कोई दौरा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो राजनीति क्या करेंगे। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने न सिर्फ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बल्कि पूरी विपक्षी एकजुटता को लेकर तमाम जितने भी विपक्ष के दल, तमाम जितने भी विपक्ष के नेता जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, सब पर हमलावर होते हुए कह रहे हैं कि अगर ये लोग अपने राज्यों के लिए काम कर लें, अपने जनता के लिए काम कर लें, तो फिर इनका कहना है क्या, ये तो लोगों के बीच नहीं जा सकते, जनता के बीच नहीं जा सकते, ये लोग राजनीति क्या करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।